से लेवल का काम जो है वो चल रहा है, उसके साथ फिलिंग का काम आगे वाले पोर्शन पर चल रहा है। तजुर्बात मौजूद था, रोडों पर लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी करी हुई थी, जिसके बाद ये रोड ब्लॉक था। वो बहुत सारे पॉइंट्स पर काम हो रहा है, एक मशीन नहीं बल्कि मशीनों की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, जुबर डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं फरीदाबाद की साइट पर मौजूद हूँ और चौरंगी से होता हुआ आपको तमाम तर काम दिखाता हुआ चलूँगा कि मरी डिस्ट्रिक्ट पर भी इस वक्त तरक्याती काम किस तरीके से जारी है, यहाँ पर कहाँ कहाँ मशीनें लगी हुई हैं और इस वक्त सड़क को बनाने के लिए यहाँ पर सारे इकदाम किए जा रहे हैं। रोड की कटिंग और फिलिंग का काम यहाँ पर इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। सामने भी मशीन लगी हुई है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और मैं लेफ़्ट साइड के रोड से गुजरूंगा और आपको यहाँ के जो काम है वो दिखाते हुए चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप तमाम दोस्तों को दिखाता हूँ। मनी डिस्ट्रिक्ट में आपको काम काफ़ी सी तरह का दुशवार था, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर दोबारा काम को शुरू कर दिया गया है और काम काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू किया गया है। और ये नहीं कि खाली इस पॉइंट पर काम हो रहा हो, काम जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स पर काम हो रहा है, एक मशीन नहीं बल्कि मशीनों की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो एक्सीवेटर हो या देखिए मैं इस वक्त शाम के टाइम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लेवी का काम चल रहा है इस जगह पर, और आगे भी मशीन लगी हुई है जो लेवी का काम कर रही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस वक्त यहाँ तक के लेवल का काम जो है वो चल रहा है, इसके साथ फिलिंग का काम आगे वाले पोर्शन पर चल रहा है, कटिंग का काम उससे आगे वाले पोर्शन पर चल रहा है। यानी अगर मैं काम की अगर मैं बात करूँ तो काम एक जगह पे नहीं बल्कि सभी पॉइंट्स पर मशीनें मुझे लातादाद नज़र आ रही है। अगर आप मेरी दूसरी भी अपडेट देखें मलिर की, तो उसमें भी आपको काम की जो सूरत हाल है वो आप लोगों को दिखेगी, काम की जो असल शक्ल है, असल हालत है काम की, वो नज़र आएगी। क्योंकि अब जो है काम करके दिखाना है, अब गवर्नमेंट को आवाम के लिए काम को करके दिखाना है, ताकि काम की काम के बाद जो लोगों के जो गुस्से हैं वो थोड़े कम हो सके। जो लोग हर वक्त शिकायत करते हैं कि काम नहीं होता, तो उसके हवाले से भी काम को करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें यहाँ से भी ये पूरा मुकम्मल रोड मैं आपको आगे ले जाकर दिखाऊंगा, और ये पूरा यहाँ पर सर्विस के मसाइल भी मौजूद हैं, उसको भी बहुत जल्द हल करना होगा। और तमाम तर यहाँ पर भी जो इस वक्त लेवल का काम चल रहा है वो भी इनको यहाँ पर मुकम्मल करना होगा। अब इस रोड से मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आप लोगों को आगे की मुकम्मल अपडेट से आगाही करता हूं कि यहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ की
प्रॉपर अपडेट्स के बारे में पता होगा, जब यहाँ पर निशानात लगाए जा रहे थे तब भी हमने आप तमाम दोस्तों को यहाँ की अपडेट दी थी और आप तमाम दोस्तों को बताया गया था कि यहाँ पर तमाम तर रोड के मसाइल को हल किया जाएगा और अब उसी तरीके से काम को दोबारा यहाँ पर प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप काम को आगे की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और ये देखें, यहाँ तक रोड जो था वो बिल्कुल ही तजवुजात मौजूद था। रोडों पर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी हुई थी, जिसके बाद ये रोड ब्लॉक था और कुछ हिस्सों में सेवरेज के मसाइल भी थे जहाँ पर हल किए गए। और अब ये जो रोड ब्लॉकेज वाला जो सिलसिला है उसको अब ख़त्म किया जाएगा। देखें फ्यूचर में जो अब जो हमें फ्यूचर दिख रहा है वो कराची का बेहतर मुस्तकबिल दिख रहा है, कराची में जो तरक्याती काम है उसके हवाले से। और यहाँ पर इस वक्त जो काम इस वक्त जो चल रहे हैं ये बहुत ही काबिले तारीफ काम हो रहा है। और अगर ये टाइम से काम हो जाता है, टाइम से तमाम तर काम को मुकम्मल कर लिया जाता है, तो यहाँ पर एक असल शक्ल जो मलिर सौदाबाद जीना स्क्वायर की जो होती है, जो पहले किसी टाइम पर थी, वो असल शक्ल यहाँ पर नज़र आएगी। और जाहिर सी बात है कि तमाम तर जो तजवुजात हैं वो अगर ख़त्म हो जाए, कचरा साफ़ हो जाए, रोड बहाल हो जाए, नया रोड बन जाए, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, तमाम चीज़ें जब बहाल हो जाती हैं तो आसपास के जितने भी मकानात होते हैं उन सब की वैल्यू में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा कराची की आवाम को भी फ़ायदा होगा और मलिर की आवाम को भी फ़ायदा होगा। इस वक्त ये मैं आपको मुकम्मल जो सड़क है जिस पर काफ़ी ज़्यादा तजवुजात मौजूद है वो सड़क मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो इस वक्त थोड़ी बहुत परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे लोग बार बार जिक्र कर रहे थे मलिर के हवाले से कि मलिर में काफ़ी ज़्यादा तजवुजात और काफ़ी ज़्यादा रोड के मसाइल, सेवरेज के मसाइल वो बहुत ही ज़्यादा भारी पैमाने पे मौजूद है, जिस पर हमने भी काफ़ी वीडियो बनाई और आखिरकार हमारी भी सुनवाई हो गई और यहाँ पर तमाम तर आप लोगों के लिए, मलिर के लोगों के लिए यहाँ पर तरक्याती काम का आगाज़ तेज़ी के साथ कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।